हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है सिट्रोइन बसाल्ट, जो भी आप बोलें। ये है सिट्रोइन बसाल्ट का मैक्स वेरिएंट, सबसे टॉप है। एंड ये टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक है, तो ये प्रोड्यूस करता है 110 हॉर्स पावर एंड 205 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क। तो इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो 13.83, मतलब 14 लाख करीब इसका एक्सशोरूम है। एंड ये स्टेट वाइज इसका ऑन रोड प्राइस वेरी करेगा। एंड इसमें जो वेरियंट्स आते हैं, पहले उसके बारे में आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। तो इसमें जो बेस वेरिएंट है वो है बसाल्ट यू, YOU वाला यू बेस वेरिएंट, जिसमें आपको सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा 3 सिलेंडर का 1.2 लीटर, जो कि प्रोड्यूस करेगा 82 हॉर्स पावर एंड 115 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, पिक टॉर्क। एंड उसके ऊपर मिलेगा, बेस के ऊपर वाला वेरियंट वो रहेगा आपका सिट्रोइन बसाल्ट प्लस। एंड प्लस में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड प्लस टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें अभी हम बैठे हैं, ये भी मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है, टर्बो पेट्रोल को बता रहा हूँ अभी, पावर ये प्रोड्यूस करता है 110 हॉर्स पावर एंड 205 का मैक्सिमम टॉर्क, 205 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क। तो ये सिट्रोइन क्लेम करती है कि अंडर 10 सेकंड्स, 9.9 सेकंड्स में 0 to 100 ये स्प्रिंट कर लेती है, ये जो आप जिसमें अभी बैठा हूँ, टर्बो पेट्रोल, ओके। एंड उसके ऊपर आता है सिट्रोइन बसाल्ट मैक्स वेरियंट। मैक्स में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं मिलता है, सिर्फ आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें अपन अभी बैठे हैं। तो ये तीन वेरियंट्स मिलते हैं इसमें, ओके, सिट्रोइन बसाल्ट यू, सिट्रोइन प्लस, एंड प्लस से ही आपको टर्बो पेट्रोल चालू होता है बेस में। एंड प्लस में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड मिलेगा, लेकिन प्लस एंड मैक्स में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, एंड मैक्स में सिर्फ आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। समझ रहे हो ना, सॉरी कंफ्यूज कर दिया होगा, तो एक बार और रिपीट कर लेना वीडियो को पीछे करके। सो गाइस, जहाँ मैं आया था, सरोना में है सिट्रोइन का शोरूम, अभी नया नया ओपन हुआ है, ला माइसन नाम है, ला माइसन सिट्रोइन। आप यहाँ के विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी डाल रहा हूँ यहाँ के एक एग्जीक्यूटिव का, सेल्स एग्जीक्यूटिव का, तो आप उसको कांटेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप रायपुर में रहते हैं, आसपास रहते हैं, एंड सिट्रोइन बुक करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में आप रहते हैं तो। सो यू कैन कम हियर एंड बुक एनी सिट्रोइन कार। सो दिस इज द शोरूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। ये आपकी सिट्रोइन बसाल्ट मैक्स 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। तो फ्रंट लुक आप इसका देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग दिखती है फ्रंट से भी। एंड ये सिट्रोइन की पहचान है फ्रंट लुक इसका। एंड ये साइड से आप देख सकते हैं 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसमें आपको, 180 mm कम नहीं होता है भाई, सफिशिएंट है ग्राउंड क्लियरेंस, आप देख सकते हैं। सामने से देखेंगे तो काफ़ी ऊंची लगेगी, वीडियो में उतना जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस, बट लिटरली ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे आपको DRL मिलता है वाइट, देन यहाँ पे मिलता है ऐसे जलेगा, ऐसे जलेगा, वो जला के दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। एंड यहाँ आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, एंड ये फॉग लैम्प आपको हेलोजन वाला मिलता है। काफ़ी सारे क्रोम इंसर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रंट में। एंड ग्रिल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा दिख रहा है आप ओवरऑल देखेंगे तो, एंड काफ़ी क्लियर डिज़ाइन है एकदम, कहीं पे से पैनल गैप मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी क्रोम फिनिश प्लस पियानो ब्लैक फिनिश, देन सिट्रोइन का लोगो। ये टो करने के लिए यहाँ पे नंबर प्लेट आप लगा सकते हैं, इसमें कोई 360 डिग्री का सेटअप नहीं मिलता है। ये ऑलमोस्ट आपको 14.5 से 15 लाख पड़ जाएगी। तो इसमें सिर्फ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल में। एक चीज़ बता दूं, तो इसमें वाइपर्स आपको नॉर्मल मिलते हैं टॉप वेरिएंट में। एंड फीचर्स के बारे में बात करूं, जो यहां से आप देख सकते हैं एंड पता कर सकते हैं कि इसमें है कि नहीं, तो इसमें ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प दोनों नहीं मिलता है। तो ये इसका साइड लुक, साइड लुक में आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लगती है कार। अगर सिट्रोइन C3 एयरक्रॉस से आप कंपेयर करते हैं इसको, सिट्रोइन C3 जो 7 सीटर इसकी SUV आती है उससे कंपेयर करते हैं, तो व्हील बेस इसका कम है उसके कंपैरिजन में। एंड साइड से आप देखेंगे तो इसके टायर साइज के बारे में बात कर लेते हैं, 205/60R16 का इसका डायमंड कट अलॉय है, एंड 205 इसके वेट है टायर की, एंड 60 ये टायर प्रोफाइल है। तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त दिख रही है ऊपर में आपको, ये डुअल टोन है तो ऊपर में आपको ब्लैक मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, सनरूफ इसमें ऑफर नहीं किया जाता है कोई भी वेरिएंट में, सनरूफ है ही नहीं मतलब इसमें। एंड ये 14,70,000 करीब इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको। एंड रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्योरटेक की बैजिंग मिल जाती है आपको, पीछे हेलोजन वाली आपको टेल लाइट्स मिलती हैं, LED नहीं हेलोजन है। एंड यहाँ पे भी सिट्रोइन की बैजिंग एंड सिट्रोइन का आपका लोगो, देन रियर डिफॉगर मिल जाता है आपको। जैसे कि पता होगा सिडान एंड क्यूपे में आपको कभी वाइपर एंड वॉशर नहीं मिलता है, सो सेम इन दिस केस
बसाल्ट के केस में भी आपको वाइपर एंड वॉशर नहीं मिलता है। ये आपकी कूपे एसयूवी के तरीके से बनाई गई, आप देख सकते हैं क्या प्यारा लुक है यार, इस एंगल से आप देखो यार। एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ब्लैक के साथ यहाँ पे भी क्रोम फिनिश है, तो नीचे भी आप देख सकते हैं बॉडी क्लैडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बॉडी क्लैडिंग वाला पार्ट है बहुत सही लगता है यार। कलर इसका देखो हल्का ग्रेइश है, ब्लैक नहीं है, पूरा हल्का ग्रेइश है ये देखो। एंड ये थोड़ा सा निकला हुआ है साइड से, तो ये काफ़ी अमेजिंग दिखती है। देन अगर आप सोच रहे हो इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता होगा, तो इसमें आपको दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, यहाँ पे आप चाबी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको फ्लिप की दी गई है ऐसे, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसको। अंदर चलते हैं, डोंट वरी। एंड रियर में और बात कर लें तो रियर में आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं एंड एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है आपको। रियर प्रोफाइल काफ़ी अमेजिंग दिखती है, 470 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस मिलता है। अगर कव से कंपेयर करोगे तो कव में आपको 500 लीटर्स मिलता है एंड इसमें आपको 470 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। रुको फ्लैश चालू करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, इसमें 15 इंच के आपको स्पेयर टायर मिलता है, देख सकते हैं स्टील रिम है, 15 इंच का है। टायर साइज़ के बारे में बता दूँ तो आपको इसमें कहा लिखा 185, 65, 15 इंच। एंड ये आपका टूल किट, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर, एंड इसमें 60-40 स्पीड आपको नहीं मिलता है तो एक ये मिसिंग है। देन यहाँ पे एलईडी लाइट मिल जाती है आपको, पीछे बोट लैम्प मिल जाता है एलईडी। यहाँ पे आप छोटा मोटा सामान टगा सकते हैं, ज़्यादा भारी मत टगाइएगा, हल्का टगा सकते हैं। एंड ये पावर शेल्टर है काफ़ी बड़ी, तो स्पेस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड ये काफ़ी ऊँचा रहता है, आप देख सकते हैं इस एंगल से आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लास दिख रहा होगा, बट इसके नीचे आपको देख सकते हैं मेटल लगा हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आप यहाँ से प्रेस भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखने से बस लग रहा है नीचे इसके मेटल है, लेकिन इसको बंद करने के लिए मैं तो 6 फुट का हूँ बहुत ऊपर रहता है। देन सेकंड स्टेप में आपको ऐसे बंद करना है, इजीली बंद हो जाता है, थोड़ा हैवी फील होता है, इसका क्रैश टेस्ट तो नहीं आया अभी तक, बट ओवरऑल इसकी प्रोफाइल देख लो यार, काफ़ी अमेजिंग लगती है कार ये। ईयर में भी आपको बॉडी क्लैडिंग मिलती है, हल्का ग्रेइश है, ब्लैक नहीं है, हल्का ग्रेइश है। एंड देन दिस सिल्वर फिनिश आप देख सकते हैं रियर बम्पर में, एंड ये 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। देन यहाँ पे भी आपको ग्रेइश ब्लैक बोल रहा हूँ। रियर प्रोफाइल में एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि रिफ्लेक्टर्स कहीं नहीं दिख रहे आपको, इस एंगल में मैं कैमरा लेके बैठा हूँ फिर भी रिफ्लेक्टर्स नहीं दिख रहे हैं, तो रिफ्लेक्टर्स में आपको यहाँ मिलते हैं बहुत नीचे, देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा नीचे हैं। सिंगल एग्जॉस्ट। अब चलते हैं रियर सीट में, रियर सीट का स्पेस पहले आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट थिंग, जो सबसे नया है भाई इंडियन मार्केट में, इस प्राइस रेंज में तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा आपने ये फीचर। अगर अंदर से सपोर्ट जम नहीं रहा है आपको तो आप इसको 3 स्टेप में इंक्रीज कर सकते हैं, ये सबसे हाई। एक मिनट, ये ऐसे में बंद हो जाता है, देन 1, 2, 3 एंड देन एक और बार करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सेट द अंडर थाई सपोर्ट इन दिस सिट्रोइन बसाल्ट। आपको बैठ के दिखाता हूँ, अगर 6 फुट का बंदा बैठ रहा है, सीट ज़्यादा आगे है, अभी मेरे हिसाब से सेट नहीं है, तो स्पेस आप देख सकते हैं, अंडर थाई सपोर्ट आप देख सकते हैं, तो अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट। देन इसको आप एडजस्ट, अगर ऐसा रहता है ना कई कार्स में कि फ्लोर काफ़ी ऊपर रहता है एंड अंडर साइड थाई सपोर्ट आपको टच नहीं होता है, तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं 3 स्टेप में। तो भाई लिटरली भाई बहुत अच्छा है ये, होता क्या है ना कई बार पैर आपके ऐसे रहते हैं तो जो थोड़ा प्रेशर है आपके लेग्स पे रहता है, आप बैठे तो कंफर्टेबल है ठीक है, आप दो लोग ही बैठे हैं, बट ऐसे पैर आपको उठा हुआ है एंड आप अंदर थाई सपोर्ट का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, सीट का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, तो ये जो 3 स्टेप वाला ये फीचर है, पहला फीचर भाई बहुत ज़बरदस्त फीचर, इसको आप अगर यूज़ करेंगे देन आपके पैर ऐसे हवा में हो सकते हैं। एंड मेरे से छोटे हैं आप लोग, सॉरी 6 फीट से अगर छोटे हैं, मेरे छोटे नहीं, 6 फीट से छोटे हैं, तो आपके पैर ऐसे हवा में भी आ सकते हैं क्योंकि फ्लोर सही है नीचे है, बट ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। देन 3 लोग बैठा सकते हैं बट बीच वाले को थोड़ा प्रॉब्लम हो क्योंकि काफ़ी बड़ा बम्प है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड
सीट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेदरेट सीट है एंड रियर आर्मरेस्ट दो कप होल्डर्स के साथ। यहाँ पे आप कचरा भी रख सकते हैं, पेन भी रख सकते हैं। देन आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब आप सो सकते हैं, मतलब आप ले सोएंगे इसमें तो आपकी जो मुंडी है इधर उधर नहीं होगी। ये देखो एंड हेडरूम के बारे में बात करूँ तो 6 फीट का बंदा अगर पीछे बैठा है तो हेडरूम इतना मिलता है उसको, हल्का सा बाल टच हो रहा है बट ऐसा नहीं है कि आपका सर टकरा रहा है कहीं भी ऐसे मूवमेंट में। कर्व में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब आप आगे आएंगे ना तो यहाँ पे आपका सर टकराएगा बिकॉज इसके बाद वैसे राउंड हुआ है, बट इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको कर्व से कंपेयर नहीं करना चाहिए, दिखने में लगभग डायमेंशन वाइज सेम है बट ये उसके मतलब लेंथ भी है तो आप क्रेटा वगैरह से कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज ये अंडर 4 मीटर तो नहीं आती, 4.3 मीटर समथिंग है इसका लेंथ, तो कंपेयर कर सकते हैं बट जैसा प्राइस है एंड जैसे इसमें फीचर्स मिलते हैं तो ऐसे में आप कर्व के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेट्स सी पेट्रोल का प्राइस क्या आता है, उसके बाद हम सोचेंगे कंपेयर करना है कि नहीं। तो एक चीज़ है, हेडरूम इसमें बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, डिसेंट है, मतलब एकदम ऊपर नहीं है बट कहीं भी टच नहीं हो रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आप ऐसे उचकोगे थोड़ी ना बार बार। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो चारों ही डोर्स पर आपको लेदरेट फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर डोर पर ये वाली तो हाथ रखने में काफ़ी कम्फर्टेबल है, देखो चारों ही डोर्स पर एंड चारों ही डोर्स आपके वन टच डाउन है बट वन टच अप कोई भी विंडो नहीं है, ड्राइवर वाला भी नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ओ चाइल्ड लॉक लगा लगता है बाहर से, ओहो अब मेरे को उधर से उतरना पड़ेगा, पता चल रहा है वो भी बंद होगा तो फिर बुलाना पड़ेगा किसी को। तो इसमें रिक्लाइन एंगल आप सेट नहीं कर सकते, तो ये हो गया रियर सीट के बारे में बात। यहाँ पे आप देखें तो रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे आपको दो यूएसबी टाइप ए यूएसबी मिल जाता है यहाँ पे एंड ये फ्रंट का लुक है। अब चलते हैं फ्रंट में एंड फ्रंट के बारे में बात करते हैं। उधर तो चाइल्ड लॉक लगा था, इधर से मैं निकल जाता हूँ। ये अंदर से ही खुलता है मतलब। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे, फाइनली ड्राइवर सीट पे आ गया हूँ मैं। तो कीज़ के बारे में बात करें तो इसमें अब आपको थोड़ी डिफरेंट की मिलती है, फ्लिप की मिलती है देख सकते हैं आप। तो लॉक अनलॉक का फंक्शन है इसमें, लॉक अनलॉक में आपके वॉल्यूम्स तो ज़रूर ओपन होंगे अनलॉक करने पे एंड लॉक करने में क्लोज होंगे, तो बस इतना ही फीचर है इसकी का। एंड जो सेकेंड की है वो आपको नॉर्मल की मिलती है देख सकते हैं आप, बिकॉज इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप फीचर नहीं मिलता है देख सकते हैं आप, आपको चाबी से चालू करना पड़ता है एंड ये सबसे टॉप वेरिएंट है। तो थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, तो ये है मेरा कंफर्टेबल पोजीशन। तो ये है इंटीरियर इसका, सिट्रोएन बसाल्ट मैक्स टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक का, 14.7 14.8 वेरी करता है स्टेट वाइज ऑन रोड प्राइस। ओके 10.2 इंच का इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, 7 इंच का इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इधर से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एंड इधर से आप इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड ये मत सोचिए कि भाई जर्मन टाइप, इसमें भी वाइपर एंड इंडिकेटर उल्टा दे दिया है, इसमें इंडियन वाइज है जैसे अपन फॉलो करते हैं, इंडिकेटर इधर है एंड वाइपर इधर है ये देखो। तो ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलता है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। एंड आप देखेंगे तो भाई इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस है एकदम, बट ये थोड़ा सा और लंबा होता तो बढ़िया रहता है रखने के लिए, बट ये डिज़ाइन के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे आप क्या ही रखोगे, बहुत पतला है तो दिखने में बहुत अच्छा है इंटीरियर, नो डाउट। आप भी कॉमेंट करके बताओ इंटीरियर कैसा लग रहा है। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको इसमें स्टैंडर्ड, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। एंड हील होल्ड कंट्रोल आइसोफिक्स माउंट एंड 3 सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं, मतलब सभी पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट मिल जाते हैं, 5 बैठे तो 5 सीट बेल्ट मिलेंगे आपको, 2 आगे 3 पीछे। ओके तो अब मैं इसको चालू करता हूँ, सो दिस हाउ इट स्टार्ट्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, यहाँ से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसकी ग्राफिक आप देख लीजिए कैसी है, RPM, इकोनॉमी, अच्छा तो ये डाउन करने से यहाँ पे ये जो लिखा ना ये इकोनॉमी मोड नहीं है, ओके दिस इज जस्ट इकोनॉमी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मोड है वो। देन यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर लिखा है, इसको मेन्यू व्हीकल सेटिंग्स, मेन्यू प्रेस करने से व्हीकल सेटिंग्स में आप जा सकते हैं,
मेंटेनेंस में क्या है देखते हैं। ओके सर्विस इन, ओके ये देख सकते हैं आप। देन इसको करते अपन बैक, इससे बैक होगा, मैं भी फर्स्ट टाइम ऑपरेट कर रहा हूँ इसको। देन यहाँ पे ओके करते हैं व्हीकल सेटिंग्स में, रिमोट अनलॉक मिरर्स, ओके मिरर्स का क्या है, ऑटो फोल्ड ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इसमें, तो ये फीचर भी दिया गया है इसमें। देन इससे बैक, एंड यहाँ पे एक और चीज़ दिखा मैं, ओवर स्पीड अलर्ट, इसको भी ऑफ कर सकते हैं भाई इसमें, ये भी दिया है। देन बैक, देन इसको बैक करते हैं। देन यहाँ पे होल्ड ओके टू रीसेट, अभी प्रेशर इसमें नॉर्मल है तो इसमें TPMS मिल जाता है, बट ऐसा आपको टायर वाइज नहीं दिखाता कि इस टायर में इतना है, जब लो रहेगा तो दिखाएगा ये। ओके लो एंड हाई पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइलेज एंड ट्रिप, ये ट्रिप भी है। देन ये ट्रिप ए है, इस जस्ट अप डाउन करना है आपको यहाँ से, देन वही आपका मीटर आ गया। तो यहाँ पे लेफ्ट में आपका फ्यूल है, राइट में आपका टेम्परेचर है, एंड ये बैटरी वगैरह, एंड स्पीड आपको सेंटर पे दिखाएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात हो गई है ना, क्वालिटी डिसेंट है, ओके एकदम HD नहीं मिलेगी बट डिसेंट है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे डोर ओपन, तो डोर अलर्ट्स भी मिलते हैं इसमें आपको, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाएगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए ORVMs, एंड यहाँ से बंद भी कर सकते हैं नीचे करके इसको। एंड ये आपका एकदम मैनुअल मिलता है आपको, देख सकते हैं आप लाइट एडजस्ट करने का, ओके लाइक दिस, तो एकदम मैनुअल मिलता है इसमें, मैनुअल बटन मिलती है, लाइट लेवलर एकदम मैनुअल है देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने का, एंड ये चाइल्ड फंक्शन, मतलब कोई और ऑपरेट ना कर पाए विंडोज़ पीछे के एंड बाजू के, तो ये भी इसमें मिलता है आपको यहाँ पे। तो इधर की बात हो गई, AC वेंट्स कितना ख़तरनाक तरीके से निकला, ये बाप रे डिज़ाइन ज़बरदस्त है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जैसा कि आपने ये सामने ग्रिल पे देखा हुआ डिज़ाइन, उस तरीके का इसमें AC वेंट्स मिल जाते हैं आप, जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत अमेजिंग दिखता है ये। एंड पियानो ब्लैक फिनिश अंदर भी है, ये ब्लैक है ना पूरा, यहाँ पे हल्का सिल्वर है, सिल्वर टाइप का ये काफ़ी बेसिक से आप देख सकते हैं। इसमें आपको एयर प्योरीफायर वगैरह ये सब नहीं मिलता है, बट एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है, इसमें आप मैप वगैरह चला सकते हैं। एंड 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन इतनी ईजी टू यूज़ है, आपको सब स्क्रीन पर दिख रहा है, सब कुछ सामने ही है। सेटिंग में गए, फ़ोन वगैरह यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ब्लूटूथ वगैरह। एंड देन बैक यहाँ से टच काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जनरल। यहाँ पे आप लैंग्वेज वगैरह सेट कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। देन ऑडियो में आप इक्वलाइजर सेट कर सकते हैं, एंड ये स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, जिससे आप स्पीड बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसको ऑफ ही रखिए ज़्यादा बेटर है, बट कई लोग यूज़ करते हैं। एंड जनरल में ओके, जनरल तो देख चुके। देन व्हीकल में क्या है, नो अलर्ट्स प्रेजेंट, ओके। देन होम में जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड रेडियो, ये सब दिया हुआ है। प्लीज़ कनेक्ट एंड्रॉयड डिवाइस विया USB और पेयर विया ब्लूटूथ टू स्टार्ट यूजिंग, ओके। एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है। सो गाइस इतना, मतलब सब कुछ स्क्रीन में ही, आपके यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्प्ले टर्निंग ऑफ, अच्छा इससे डिस्प्ले टर्न ऑफ होता है, ओके ऑन कैसे करूँ, ओके लाइक दिस। तो ये हो गए इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात, यहाँ से भी आप इसको कॉल वगैरह उठा सकते हैं, एंड ये वॉइस कमांड भी इसमें मिलता है आपको। एंड यहाँ पे जस्ट बेसिक एक लाइट मिल जाती है, क्योंकि इसमें सनरूफ तो मिलता नहीं, तो उसके फीचर्स नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता ना, टिकट होल्डर भी, एंड ऑटो IRVM भी नहीं मिलता आपको, ये मैनुअल मिलता है IRVM। एंड 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड सीट बेल्ट एडजस्टेबल नहीं है फ्रंट के, ओके। एंड AC का जो कंट्रोल है वो आपको बता देता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, लो यहाँ से टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटो में चल जाएगा, ओके। इसको ऑफ करना होगा तो AC ऑफ कर दो, एंड यहाँ से आप फैन ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। ये सर्कुलेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, ऐसे अंदर कहीं रखते हैं। ये वेंट्स का डायरेक्शन चेंज करने का है, कि कहाँ पे आपका हवा चाहिए, पैर पे चाहिए कि पैर और बॉडी दोनों पे चाहिए, ये सेट कर सकते हैं। AC मैक्स सेट करेंगे तो सब कुछ मैक्स पे चलेगा लाइक दिस, वो देखो। तो ये बटन्स काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड इजी टू यूज़ है काफ़ी। USB A टाइप एंड चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट का ये मिल जाता है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है इसमें, मैनुअल भी दिया है, एंड ये लेदर फिनिश मिलती है इसमें आपको, एंड ऐसे हाथ डाल के भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस, हैंड ब्रेक, यहाँ पे छोटा मोटा स्टोरेज स्पेस, एंड ये लेदर इट
आर्मरेस्ट है एंड स्लाइडेबल भी है, तो ये अच्छा है। बट इसमें एक ही जन हाथ रख पाएगा, जैसे कि आपको हैच पैक वगैरह मिलता है ना, एक ही जन हाथ रख पाए, तो आपको अगर थोड़ा मोटा हाथ है तो बिल्कुल कोई नहीं रख पाएगा। ओके, एंड यहाँ पे छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको डिसेंट सा स्टोरेज बॉक्स मिल जाता है जिसमें लाइट एंड आपको कोल्ड फंक्शन नहीं मिलता है, कोल्ड फंक्शन। सो गाइज, ये हो गई सिट्रोइन बसाल्ट के बारे में पूरी बातें। सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको हील असिस्ट, 6 एयरबैग, आइसोफिक्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट पीछे, ये सब मिल जाता है। एंड एडास वाला कोई फीचर नहीं, ना 360 वाला फीचर। ओके, तो एक और वीडियो बनाऊंगा इसके प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर। ये वीडियो तो आप देख लिए, पूरा रिव्यू हमने किया सिट्रोइन बसाल्ट मैक्स वेरिएंट 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? सिट्रोइन बसाल्ट के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप अभी पूछ सकते हैं। एंड एक कंपैरिजन वीडियो हम बना देंगे, भले ही ये कंपैरिजन में नहीं आती है, राइवल में नहीं आती है टाटा कर्व की एंड सिट्रोइन बसाल्ट वर्सेज टाटा कर्व, हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। बट उसके पहले उसका प्राइस लॉन्च होने दिए 2 सितंबर को जो लॉन्च हो रहा है। ओके, एंड मैं जहाँ आया हूँ, ये सिट्रोइन का शोरूम है सरोना रायपुर छत्तीसगढ़ में, आप भी आके विजिट कर सकते हैं एंड बुक कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा शोरूम है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी सर्विस भी हो जाएगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये काइजन टोयोटा के बाजू में, टोयोटा का शोरूम है सरोना रायपुर छत्तीसगढ़ में, उसके बाजू में है ये, अभी कुछ टाइम पहले ही नया नया ओपन हुआ है। तो आप यहाँ के सिट्रोइन की कोई भी कार देख सकते हैं, C3 Aircross, C5। ओके, तो ये था वीडियो गाइस। डिड यू लाइक दिस व्लॉग? प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, उसके बाद प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।